नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल हर सपना कुछ कहता है। तो दोस्तों, हमेशा की तरह मैं श्वेता फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ आपकी सपनों की समस्याओं का हल लेकर। तो दोस्तों, आज सपने की सीरीज में हमारा विषय है सपने में कौआ, जिसे आप इंग्लिश में क्रो कहते हैं, उसे देखने का क्या मतलब होता है। देखिए, सपने में कौआ आना बहुत ही रेयर सपना होता है, मतलब बहुत कम लोग को आता है और बहुत कम फ्रीक्वेंसी में आता है। लेकिन यदि आप इतिहास उठा के देखेंगे स्वप्न शास्त्र का, मैं ये नहीं कहती सिर्फ भारतीय स्वप्न शास्त्र, वरन आप अन्य देशों की सभ्यता, इवन बाइबल में और इसके अलावा मुस्लिम कल्चर्स की जो बुक हैं, जो ड्रीम इंटरप्रिटेशन करते हैं, आप उनकी भी बुक उठा के देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि प्राचीन काल से ही सपने में कौए को आने का सपना शुभ नहीं माना जाता है। मतलब ये सपना थोड़ा कम आने वाला सपना है, लेकिन ये सपना जब आता है तो ये आपके जीवन में किसी परेशानी या कष्ट के आने की ओर संकेत करता है। जितनी भी एंशियंट इंटरप्रिटेशन ड्रीम की करती हैं, उन बुक्स में क्रो को देखना किसी निकट या प्रिय व्यक्ति की बीमारी का, परेशानी का, और कभी कभी जो क्लासिकल्स बुक होती है वो उनकी चूंकि लैंग्वेज बहुत हार्श होती है तो मृत्यु तुल्य कष्ट या किसी व्यक्ति की मृत्यु के बारे में भी बताता है। लेकिन अगर हम देश काल परिस्थिति के हिसाब से, आज के मॉडर्न वे के हिसाब से बात किया जाए तो सपने में कौआ देखना एक सिंबल है, मतलब जो आने वाला समय है वो आपके लिए हार्डशिप से भरा होगा। निकट भविष्य में कोई कठिनाई, किसी परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है जो आपको मतलब नॉर्मल समस्या से थोड़ा ज़्यादा परेशान कर सकती है। यदि मैं साइकोलॉजिकली बात करूँ तो कौवे का आपके जीवन में सपने के रूप में आना यह बताता है कि आप अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं, और जब आप उन बदलाव को एक्सेप्ट करने में दिक्कत महसूस करते हैं, खुद को परेशान या असहाय महसूस करते हैं, तब भी जो आपका ब्रेन है वो आपके सपने में आपको बहुत सारे कौवे या कौवे के ड्रीम दिखाता है। अब इसकी क्या रेमेडी होनी चाहिए, साइकोलॉजिकल रूप से यदि बात करूँ तो हम यदि तरह के सपने देख रहे हैं और बार बार देख रहे हैं तो यह ड्रीम हमें संकेत करता है कि हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहिए और साथ ही जो भी परिस्थितियां हैं उनमें बेस्ट सिचुएशन ढूंढने का प्रयास करना चाहिए कि हम कैसे बेस्ट तरीके से सर्वाइव करें और बदलती हुई परिस्थितियों में खुद को बदलते हुए माहौल में खुद को डालकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकें। अब इसके अलावा यदि एस्ट्रोलॉजिकली बात करूँ तो आप यदि उड़ते हुए कौवे को देखते हैं तो यह सपना बताता है कि आप जिंदगी के कुछ बड़े बदलाव आने वाले समय में आपकी जिंदगी में हो सकते हैं, जो हो सकता है बदलाव आपको थोड़ा परेशानी से भर दे, मतलब किसी परेशानी जैसी बदलाव का आपको सामना करना पड़ सकता है। यदि आप बहुत सारे कौवे देखते हैं तो यह सपना भी अच्छा नहीं होता, यह किसी अशुभ समाचार के प्राप्ति की ओर संकेत करता है। यदि आप खुद को कौवे का मांस खाते हुए देखते हैं तो ये एक अच्छा सपना है, ये सपना बताता है कि आपको किसी प्रकार का छोटा या बड़ा कोई फाइनेंशियल गेन हो सकता है। इसी के साथ यदि आप कौवे को मार देते हैं और आप उसका पीछा कर रहे हैं और कौवे को आप मार देते हैं तो सपना बताता है कि आप अपने शत्रुओं पे व राइवल्स पे, प्रतिस्पर्धियों से आप जीत हासिल करेंगे, भले थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़े लेकिन अंततोगत्वा जीत आपकी ही होगी। इसके अलावा यदि सपने में कौवा बोलता हुआ आपको दिखे तो ये सपना अच्छा नहीं होता, या धन हानि या किसी दुखद संकेत का समाचार देता है। इसके अलावा यदि सपने में आपको कौवा बैठा हुआ दिखाई दे अपने घर के मुरड़ पे या कहीं किसी पेड़ पे, कहीं भी किसी रूप में आपको सपने में बैठा हुआ दिखाई दे तो यह रोग और दुर्घटना या किसी परेशानी के आने की ओर संकेत करता है। तो दोस्तों, यदि आपको इस तरह के बुरे सपने आ रहे हैं और आप इनकी रेमेडी चाहते हैं तो मैंने और भी अपने वीडियोज़ में इस बात को शेयर किया है कि सबसे पहले जब भी कोई ख़राब सपना आए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। सबसे पहले सुबह होते ही जब आप शौच करते हैं तो शौच के माध्यम से आप सोचिए कि बुरी याद, बुरा सपना निकल गया है आपकी ज़िंदगी से, और उसके बाद नहा धो के आप ईश्वर का ध्यान करें, अपने इष्ट का ध्यान करें, शिव जी का ध्यान करें या हनुमान जी का ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करें कि यदि आपके जीवन में कोई कष्ट या संकट आने वाला है तो वो उसे हर लें। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको हमारी आज की दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी रोचक जानकारी के लिए कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।